भारतीय मिडियाले नेपाली क्रिकेटको गरेको तारिफ। शाबाश मेरे शेर हो। जमकर मचाई तबाही, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई यूएई की बल्लेबाजी। दुबई के शेख अपने घरों में शेर चीतों को बांधकर इस गुमान में जीने लगे थे कि वो नेपाली शेरों का शिकार कर लेंगे, लेकिन एक बार फिर शेखों की शेखी नेपाल के सूरमाओं ने निकाल दी, ध्वस्त कर दिया यूएई की बल्लेबाजी को, परखच्चे उड़ा दिए। जिस लम्हे का नेपाल की जनता को लंबे समय से इंतजार था, उस लम्हे का गवाह बनने के लिए आज मैदान में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बार बार बारिश के बावजूद नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों का हौसला टस से मस होने को तैयार नहीं था। नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों को मालूम था कि बारिश आएगी, इसीलिए अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ में छाता और पॉलीथिन लेकर क्रिकेट के मैदान में डटे रहे। नेपाली गेंदबाजों ने भी उन्हें निराश नहीं किया। यूएई के कप्तान मोहम्मद असीम को लेकर नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा था कि सबसे बड़ा खतरा वही है, लेकिन सोमपाल कामी ने वसीम को सस्ते में निपटा कर यूएई की बोहनी बिगाड़ दी। उसके बाद आए तमाम बल्लेबाज, एक के बाद एक आते रहे और जाते रहे। केवल आसिफ खान ने कुछ प्रतिरोध जरूर किया, बाकी कोई भी बल्लेबाज नेपाली गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं पाया। नेपाल की तरफ से सबसे पहले सोमपाल कामी और करण केसी ने तेज गेंदबाजी से यूए को पस्त किया। उसके बाद ललित राजवंशी और संदीप लामिछाने जैसे फिरकी गेंदबाजों ने यूएई की धज्जियां उड़ा दी। नेपाली गेंदबाज ललित राजवंशी ने 3 विकेट, संदीप लामिछाने ने 2 विकेट और करण केसी ने 2 विकेट लेकर यूएई को घुटनों के बल बिठा दिया। यूएई और नेपाल के मुकाबले को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि यूएई की कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली टीम ये मैच खेल रही थी। यूं लग रहा था मानो नेपाल के सामने कोई गली क्रिकेट खेलने वाली टीम फाइनल खेलने उतर गई हो। एक भी बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज का सामना कर ही नहीं पाया। जिस भी बल्लेबाज ने जो शॉट हवा में लगाए, उसे नेपाल के तेज फील्डरों ने बाज से भी ज्यादा फुर्ती से कैच लपक कर यूएई के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। यूएई की बल्लेबाजों की हालत आया राम और गया राम वाली हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएई की टीम पूरी तरह धराशायी हो गई। अगर बारिश ने इस मैच को पूरा होने दिया तो ये नतीजा नेपाल के पक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यूएई की टीम को सिर्फ बारिश से ही सहारा है। डर भी इसी बात का है कि कहीं बारिश नेपाल की उम्मीदों पर पानी न फेर दे।